Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today's knowledge digital marketing expert और मैं विनोद पवार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में, एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका यूजेस क्या है, ये सारे आज हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्रेडिट कार्ड क्या है एक्चुअल में पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उसका टर्म्स बता दूं। क्रेडिट कार्ड एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपको बैंक द्वारा इश्यू किया जाता है, यानी उसको आप एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है, यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको लोन रहता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ओके, उस पर आपको कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है। मैक्स ऑफ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बताया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए, आज ईयरली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखा जाए तो आपको 36% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे लगता है। आपको एक्चुअल में पता नहीं होगा, आपको लगता होगा 3% आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। ओके, सारे आज हम डिस्कस करने वाले एक्चुअल में क्या क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के यूजेस क्या है, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट्स क्या है, इसका लॉसेस क्या है, ये सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, दोस्तों यदि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबा दे, और जैसे आप उस बटन को क्लिक करते हैं उसके साथ में आप लोगों के घंटे वाला आइकॉन आपको अपीयर करेगा, उस बेल को आप दबा दो ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो दोस्तों विदाउट स्किप किए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है यदि आपको क्रेडिट कार्ड क्या है समझना है तो। मैं हो या मुझे पता होगा या आप लोगों को भी पता है, हर एक बंदे के पास आज की डेट में क्रेडिट कार्ड है। जिस किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो शॉपिंग करना चाहता है तो मैंने एक आई बटन पे एक वीडियो की लिंक दी है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो यदि आपको विदाउट क्रेडिट कार्ड के कोई शॉपिंग करना है। ओके, और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप चाहे तो वापस जाके भी उसे चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों देखा जाए क्रेडिट कार्ड क्या है, आजकल हर एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी तीन है। ओके, हर एक के पास है। क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल में इस्तेमाल करना है तो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ही बेनिफिट है। आज हम पहले क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसके लॉस के बारे में जानेंगे। ओके, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब आपको आपातकालीन यानी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिफिकल्टीज, कोई इमरजेंसी आती है और आपके पास कैश नहीं रहता, उस समय आप लोगों को क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों आपको बता दूं, आजकल के युग में कोई किसी को पैसे देने के लिए या हेल्प करने के लिए रेडी नहीं रहता, यदि अच्छा रिलेटिव है और अच्छा ये हो तो उससे मिल सकता है, लेकिन क्यों हम अपने पास क्रेडिट कार्ड होते हुए हम किसी से पैसे लें। क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास रहा और उसका वैल्यू उसका लिमिट 1 लाख तक रहा तो आप कोई कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आप लोगों को आ जाए तो आप 1 लाख रुपए तक का उससे ट्रांजेक्शन करके आपके इमरजेंसी को दूर कर सकते हैं। ये आपका क्रेडिट कार्ड का आपके लिए बेनिफिट्स है, बस इतना ही बेनिफिट्स है। इसके अलावा आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का कोई बेनिफिट्स नहीं है। और कुछ आप लोग बोलते होंगे कि आप लोगों को कुछ कैशबैक आता है, कुछ कैशबैक आता है, बैंकिंग या आपका बैंकिंग एक क्या बोलते उसे बैंकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। यानी आप लोगों को बता दूं, किसी प्रोडक्ट पे आप लोगों को 20,000 का प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल रहा है विदाउट, और आपको बोला जाता है 6 मंथ के लिए 0% EMI। ओके, तो दोस्तों एक्चुअल में बता दिया जाए उस प्रोडक्ट पे आपको 2000 तक का ऑफ रहता है, यानी डिस्काउंट रहता है। वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलता, वो सीधा बैंक को मिल जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड का जो भी बेनिफिट रहेगा वो बैंक को, कोई भी बैंक आपको किसी भी यानी एक दिन के लिए भी अपना पैसा आपको फ्री में यूज करने के लिए नहीं देती। यानी आप सोचो यदि आपको 6 मंथ के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारे ऐसे, आप लोगों को बता दूं, उसमें आप लोगों को बता दिया जाता है कि 0% इंटरेस्ट EMI। यानी 0% इंटरेस्ट EMI क्या होता है एक्चुअल में आप लोगों को पता नहीं। आप भी बोलते होंगे यार चलो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, 20,000 का प्रोडक्ट है, उसका 20,000 ही हमें 6 महीने में पे करना होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं उस प्रोडक्ट के ऊपर 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट रहता है, और एक्चुअल में बैंक खा लेती है और आपको एज ए इंटरेस्ट के रूप से वो बैंक ले लेती है, आपको दिखने भी नहीं देती, वो हिडन रहता है। ओके, एक उसका एक ऑफर यानी 0% EMI का ये टर्म्स है। ओके, तो आप लोगों को अभी एक बात बता दूं, मिनिमम ड्यू क्या होता है। मिनिमम ड्यू यदि आप सोचते हो कि क्या मैं परचेस कर लिया और मिनिमम ड्यू भर दूंगा और मेरा जो भी ड्यू डेट है 1 महीने के लिए और बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को बता दूं मिनिमम ड्यू आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज दोनों को इंक्लूड करके मिनिमम ड्यू बनाया जाता है। ये मिनिमम ड्यू आप लोगों से सिर्फ आपका वो जो अमाउंट आपने अब तक यूज किया है उसका फाइनेंशियल चार्ज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड करके आप लोगों के सामने एज अ मिनिमम ड्यू
करके बताया जाता है। यानी आप सोच रहे होंगे कि आप अपना प्रिंसिपल जैसा है वैसा रेंट दे और मिनिमम ड्यू हम पे करके हमारा जो भी है वो एक रहे। लेकिन आपको बता दूं आपका प्रिंसिपल से कोई अमाउंट लेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, आपका प्रिंसिपल जैसे के वैसा रहेगा और आपका मिनिमम ड्यूज में पैसे चले जाएंगे। तो आप मिनिमम ड्यूज के चक्कर में ना पड़े यदि आप क्रेडिट कार्ड अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो। और आपको क्रेडिट कार्ड का दूसरा इस्तेमाल, आप क्रेडिट कार्ड से कैश कभी भी मत निकालें क्योंकि आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% एज अ पर एनम के हिसाब से आपको लगता है। अरे आप सोच रहे होंगे कि यार जो बैंक तो बोलते हैं 3% के, वो 3% आपको पर मंथ के हिसाब से रहते हैं, 3% इनटू 12 मंथ्स आप हिसाब कर लो। आपको बता दूं 36% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का रहता है और आप लोगों को अब तक पता नहीं, किसी को होगा पता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी को पता नहीं, लेकिन जिस बंदे को, जिस मेरे दोस्त को, जिस जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आज तक उसे पता नहीं होगा। तो वो इसका इस्तेमाल करेगा और कैश कभी भी आप निकालो मत। ओके, कितना भी बड़े आपको इमरजेंसी आती है कैश निकालने के लिए, तो मैंने 2-3 वीडियो बनाए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर लो। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कैश निकालने का और पे करने का सारा उसमें डिटेल्स में दिया है, अब उसे एक बार चेक कर लो। ये रहा मिनिमम ड्यूज और कैश विड्रॉल। ओके, अभी हम बात करेंगे 50 डेज फ्री। ओके, आप लोगों को बता दूं आपका ड्यू डेट जो भी बिल, आपका बिलिंग साइकिल रहता है, यानी आप सोचो कि 1 जनवरी को आपका बिलिंग साइकिल है, आपका बिल जनरेट होता है 1 तारीख को और आप उस बिल को पे करते हो 20 जनवरी को। ओके, ये 20 दिन का आपको बिलिंग बिल पे करने का डेट रहता है और उसके बीच में जो डेज रहते हैं 30 डेज, यानी दोनों को इंक्लूड करके आपको 50 डेज रहता है। यदि आप 1 जनवरी को परचेस करते हो तो आपको पूरा 1 महीने के लिए क्रेडिट कार्ड का जो भी फ्री का जो ऑफर रहता है वो यूज करने को मिलता है। अदरवाइज आप जैसा आपका डेज बढ़ता है उतना आपका डेज उसमें से लेस होता जाता है। यदि आपको कोई भी बड़ी, कुछ भी बड़ा, जो भी आप बड़ा परचेस करने का सोच रहे हो जैसे कि 10,000, 50,000, तो आप लोगों को लिए मैं बता दूं आपका बिलिंग साइकिल जो है उससे पहले 4-5 दिन के अंदर ही आप परचेस कर लो, यानी आपको पूरा 50 डेज के लिए यूज करने को मिल जाएगा। यह सारा इसमें फंडा है। क्रेडिट कार्ड यूज करो तो बहुत अच्छा है, यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यदि मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, यदि आप समझदार हो, क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो तो उसका यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। बस इतना ही है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने का पता होगा तो आप अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज कर लोगे। यदि पता नहीं होगा तो आप अपना पैसा बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर लोगे क्रेडिट कार्ड के क्या बोलते हैं जाल में आके फंस के। ओके, इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो एक लाइक दे दे मेरे वीडियो को, लाइक तो दे दिया होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले यार क्रेडिट कार्ड का फंडा क्या है। ओके, बाय, टेक केयर, हम नेक्स्ट डे।